सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब सीबीआई वाकई में हत्यारों को पकड़ने वाली है। तो सवाल ये आता है कि अब तक सीबीआई क्या कर रही, क्योंकि 4 साल 19 अगस्त 2024 को हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को हैंडल करते हुए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा कौन सा ट्विस्ट आया कि सीबीआई अब वाकई में जो रियल हत्यारे हैं, जो 5 लोग हैं जो रियल हत्यारे हैं, उनके पीछे पड़ रही है और उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के फैन है और इंसाफ चाहते हैं तो जरूर इसको शेयर जरूर करेगा। यही हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड हर अपडेट आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था बॉम्बे हाईकोर्ट को कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई जो काम कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में वो बेबुनियाद है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूछा था कि आपने रिया के बारे में क्या सबूत किए, तो सीबीआई ने कुछ नहीं बताया कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। ये मतलब हद हो गई है, बहुत ज्यादा हद हो गई है कि सीबीआई कह रही है कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती की मेन कल्प्रिट है और उसी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, क्योंकि रिया बहुत सारी चीजें जानती थी। और इस बारे में जब सीबीआई ने बताया कोर्ट को कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बहुत बड़ी फटकार लगाई, बहुत डांट लगाई कि ऐसे वाहियात काम अगर आप करोगे, ये वर्ड थे कि ऐसे वाहियात काम अगर आप करोगे, किसी भी इंसान को परेशान करोगे, तो आपके खिलाफ नेक्स्ट टाइम कार्रवाई की जाएगी। तो ये फटकार लगाई तब सीबीआई ने ये सोचा है। सीबीआई अब इस काम पे कर रही है कि कोर्ट ने ये भी बोला कि रियल कल्प्रिट से उनको ढूंढो, हालांकि ये भी आप जानते हैं कि रिया के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट भी हमने देखे, बहुत सारी चीजें भी हमने देखी और बहुत सारे लोग रिया को जानते भी हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 8 जून को रिया जाती है और 8 जून को ही दिशा सालियान का मर्डर होता है और फिर 14 जून तक वो कनेक्शन में नहीं रहती। ऐसा कैसे, इतनी ज्यादा मैचिंग कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी सीबीआई कोर्ट ने जब सीबीआई को बोला तो अब सीबीआई उन चीजों को ध्यान में रख रही है जो 5 लोग गए हैं, क्योंकि सीबीआई के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, सीबीआई के पास बहुत सारे सबूत भी है, सीबीआई के पास घर के अंदर के 4 नौकर के स्टेटमेंट है जो लोगों ने दिए है। दिशा सालियान के केस में घर में जो लोग थे जो मुंबई पुलिस के एफआईआर में लिखे हुए है, जो हालांकि 19 लोग थे लेकिन 4 लोग जो है उस हिसाब से जो सोशल मीडिया पे आए, जो 19 लोग थे लेकिन जो घर के अंदर 4 लोग जो एफआईआर में लिखे हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन के स्टेटमेंट एसआईटी जांच की टीम के है मुंबई पुलिस के पास, और एसआईटी जांच की टीम और सीबीआई साथ में मिलके अब उन कल्प्रिट्स को ढूंढने में लगी है जो मेन कल्प्रिट्स है। मतलब ढूंढ तो चुकी है लेकिन वो सबूत, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि अब कोर्ट ने जो फटकार लगाई सीबीआई को, अब सीबीआई कोर्ट को साबित करके रखेगी कि ये हत्या है और ये कल्प्रिट्स है। अब आपको ये वीडियो शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपना वीडियो बना दिया, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं, और नहीं है तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद।